नमस्कार दोस्तों, और मैं यहाँ पर आ गया हूँ साल के आखिरी दिन आप लोगों के साथ जुड़ने, ताकि इस साल की सभी लैंडमार्क जजमेंट आप लोगों के साथ ए टू जेड सभी की सभी डिस्कस कर ली जाए। देखिए, साल का आज आखिरी दिन है, 2023 खत्म होने वाला है, पर आप लोगों का जोश और हम लोगों की मेहनत लगातार बनी रहनी चाहिए, ताकि जब तक आप लोग जज ना बन जाए, ना हम हार माने और ना आप हार माने, क्योंकि हमारे लिए तो वही नया साल होगा जिस दिन आप लोग जीवन में नया मुकाम पाएंगे। दीपाली नायक जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सो सबसे पहले वेरी गुड नमस्कार फ्रॉम माय साइड, माय सेल्फ दीपक शर्मा अंग्रेज, और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सुपर कोचिंग जुडिशरी में। अब आज मैं एक सिंगल वीडियो में आप सभी लोगों को 2023 की जितनी भी बड़ी जजमेंट्स आई हैं सभी की सभी यहां पर कवर कराने वाला हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जितनी भी जजमेंट यहां पर इस पूरे साल में पास आउट कर चुके हैं, वर्डिक्ट दे चुके हैं, वो मैं कंप्लीट ए टू जेड यहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तुरंत सेशन को लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि सभी लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और सभी लैंडमार्क जजमेंट तक लोग अपडेट हो जाए। अब देखिए, हम सभी लोग जानते हैं यहां पर हमारा एग्जामिनेशन आ चुके हैं, जुडिशियल एग्जामिनेशन 5 तारीख को एग्जाम है, इसके बाद और नोटिफिकेशन आने वाले हैं। सो अब लोगों की सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है, सर कितनी जजमेंट पढ़ लें, एक पढ़ लें, दो पढ़ लें, 20 पढ़ लें, 50 पढ़ लें, वो तो खत्म ही नहीं हो रही। अब सबसे बड़ा जो रेशो रहता है वो 2023 की जजमेंट का है, क्योंकि भाई अगर कोई 2024 के एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर रहा है और वो 2023 की जजमेंट से ही अपडेटेड नहीं है तो क्या फायदा, उसके नंबर वहां पर कटने ही कटने हैं, चाहे प्रीलिम्स की बात हो चाहे मेंस की बात हो, क्योंकि आप जब तक लेटेस्ट अमेंडमेंट लेटेस्ट अपडेट से खुद को अपडेट नहीं कर रहे, आपको पता होगा ही नहीं कि आंसर राइटिंग में जो क्वेश्चन आपके सामने पुट अप किए गए हैं वो इन्हीं अपडेट्स में से है। इवन दो अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछ ली जाए जजमेंट, आपके पास कोई इश्यू ही नहीं है, क्यों, आपने पढ़ी ही नहीं, तो आपको परेशान नहीं होना, आपका इंतजार काज खत्म हो गया, क्योंकि मैं 2023 की सभी बड़ी जजमेंट इस एक सिंगल वीडियो में लेकर आया हूं, जहां पर आपको क्या करना है, जस्ट इसे नोट डाउन करते चलना है। जो भी जुडिशियल एग्जामिनेशन की तैयारियां कर रहे हैं, नोट डाउन करते चले, एक एक जजमेंट बड़ी डीपली आपको समझाऊंगा, ताकि इस वीडियो के बाद आपको कहीं और भटकना ना पड़े। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप से आपको ये बेनिफिट होगा कि यहां पर अगर आप एक स्टूडेंट है और आप भी हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, तो यहां पर आपको अथॉरिटी होगी। किस चीज की अथॉरिटी, आप भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपकी कोई क्वेरीज है, जहां पर 24/7 मैं और टेस्टबुक की टीम आपके साथ लगातार कनेक्ट रहती है। आपको यहां पर सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट्स की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती हैं वो मिल जाएंगी। मैं कब कब लाइव सेशन लेने वाला हूं सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मिलेगी। इसके अलावा यहां पर आपको यह भी पता लग जाएगा कि जो भी अपकमिंग बैचेस हैं आपकी जुडिशियल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट आप कैसे अवेल करें, मैं यहां पर आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देता हूं। अब हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ताकि ज्यादा टाइम आप लोगों का हम ना ले और जितनी भी बड़ी जजमेंट इस साल में आ गई है सभी आपको क्लियर कर दे। क्या करना है आपको, तुरंत यहां पर सेशन लाइक और शेयर कर देना है, छोटा सा अनुरोध है मेरा। इसके बाद हम अपना आज का सेशन आप लोगों के साथ स्टार्ट करेंगे। जो जो हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक अटेंडेंस अपनी लगा दें, ताकि हमें पता लग जाए कि कौन कौन यहां पर हमारे साथ कनेक्ट है। नाउ सबसे पहली जो जजमेंट आती है उसका सीरियल नंबर ही 1 है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जजमेंट दी है इसका नाम है विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ध्यान दीजिएगा, इसका साइटेशन नंबर है 2023 SC1। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, आप सभी लोगों को पता है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे, नोटबंदी के नाम से वो समय गिना गया था, वो जो डीमोनेटाइजेशन था
उसको लेकर यहां पर कोर्ट के सामने इशू चल रहा था, जिसका यहां पर मेजोरिटी डिसीजन आ चुका है और वो जो डिसीजन होल्ड किया है 4:1 में किया गया है। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स को, क्यों? अगर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस बेस पर भी पूछा जाएगा कि मेजोरिटी क्या थी। 4:1 में होल्ड किया गया और उसमें यह कहा गया कि भाई जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, जो नोटबंदी हुई, बिल्कुल ठीक हुई। मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। हमारे जो जस्टिस थे एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी आर गवाई, जस्टिस ए आर बोपन्ना, जस्टिस वी सुब्रमण्यम एंड ऑनरेबल जस्टिस बी वी नागरत्ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी 4:1 से इस चीज को निर्धारित किया मेजोरिटी डिसीजन के साथ कि भाई जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट थी, जिसने 6 साल पहले यह डिसीजन लिया था ना कि 500 और 1000 के नोटों को डिसकंटिन्यू करा जाएगा, वो बिल्कुल ठीक डिसीजन था। ये चीज यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। अब अगर आप यहां पर कोई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको केस टाइटल पता होना बहुत अनिवार्य है कि किस केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को ग्रीन चिट दी थी। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगला केस लो है हमारा कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, साइटेशन नंबर है 2023 SC4। अब ध्यान दीजिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बात की थी जो हमारी रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 19 सब क्लोज 2, जो बात करता है राइट टू स्पीच से रिलेटेड, वो कहा गया कि वो वहां पर फ्री स्पीच के अंदर वो रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं करी जा सकती। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारे जो ऑनरेबल जस्टिस थे उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यहां पर बैठी गई थी, उन्होंने कहा जो आर्टिकल 19 सब क्लोज 2 है हमारा, वो यहां पर किसी भी मिनिस्टर पर आर्टिकल 19 सब क्लोज ए क्लोज ए के तहत रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, ये कहते हुए कि उनको फ्री स्पीच का वहां पर राइट नहीं है। ऐसी कंडीशन में जो भी हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, एमपीज, एमएलएज होते हैं, उनको लेकर ये इशू किया जा रहा था, जो यहां पर हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्धारित कर दिया। दोबारा से केस लो देखिएगा, केस टाइटल था किशोर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, रिस्ट्रिक्शन जो थी 19 आर्टिकल की वो वहां पर एमपी एमएलए इन पर इंपोज नहीं होगी जब वो यहां पर राइट टू स्पीच अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, अगला केस लो है हमारा रोहन दुंगट वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा, इसका साइटेशन नंबर देखिएगा 2023 SC10। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर बात की गई है पैरोल पीरियड के बारे में। अगर आपने सीआरपीसी पढ़ा हुआ है तो पैरोल पीरियड आप जानते होंगे, यानी कि कुछ समय जो कोर्ट की तरफ से ग्रांट किया जाता है किसी भी प्रिजनर को, ताकि वो कोर्ट के बाहर कोर्ट की परमिशन से उस प्रिजन के बाहर आकर अपना जरूरी काम वगैरह निपटा सकता है, पर वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन रहती हैं, जैसे कि टाइम टू टाइम वहां पर उसको आकर अपने सिग्नेचर करने पड़ते हैं, कहां पर पुलिस स्टेशन में और अदर रिस्ट्रिक्शन भी वहां पर लगाई जाती है। यहां पर देखिएगा, कहा गया कि जो पैरोल पीरियड है वो एक्चुअल प्रिजमेंट के टाइम में काउंट नहीं होगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा इस जजमेंट पर स्पेसिफिकली, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पैरोल पीरियड होता है, जो यहां पर पीरियड सेंटेंस के अंदर दिया गया है गोवा प्रिजन रूल्स के तहत, जो 14 सालों की एक प्रीमैच्योर रिलीज के तहत एक सजा पास की गई थी, जिसके अंदर यह पाया कि अगर कोई पैरोल पीरियड के लिए बाहर है तो उसको वहां पर क्या नहीं कहा जा सकता, उसको जो उसको सजा हुई है उसके अंदर से वो पैरोल पीरियड काउंट नहीं होगा। उदाहरण से समझा देता हूं, किसी को 7 सालों की सजा हुई, 1 साल वो पैरोल पर बाहर था, तो ये जो 1 साल पैरोल का है ये गोवा प्रिजन रूल के तहत उसकी सेंटेंस को इंक्लूड नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा जजमेंट पर फ्रेंड्स, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगला ध्यान देते हैं, अगला केस लो है हमारा स्टेट थ्रू सीबीआई वर्सेस टी गंगी रेड्डी, साइटेशन नंबर है 2023 SC37। सबसे पहले शेयर कर देना है सेशन, लाइक कर देना है,
क्योंकि एक सिंगल वीडियो आपकी कंप्लीट जजमेंट कवर कराने वाली है। ये देखिएगा, यहां पर अगर कोई डिफॉल्ट बेल मांगता है, अगर आपने सीआरपीसी पढ़ा हो तो आप जानते होंगे, अगर कोई यहां पर प्रोविजन है, कोई ऐसा प्रोसेस है जो फॉलो नहीं किया जा रहा, पुलिस टाइम पे चार्जशीट नहीं दे रही, चालान नहीं कर रही, तो जो भी वहां एक्यूज्ड है उसको बेल लेने का अधिकार होता है, और वो जो बेल होती है ऐसी कंडीशन में डिफॉल्ट बोल कही जाती है। उन्होंने कहा कि डिफॉल्ट बोल कैंसिल की जा सकती है जब चार्जशीट प्रेजेंट कर दी गई उसके बाद भी, मतलब कि अगर कोई कोर्ट से यह कहता है कि पुलिस चार्जशीट नहीं जमा कर रही टाइम से और डिफॉल्ट बेल ले लेता है, और अगर पुलिस चार्जशीट जमा करती है और उसमें पाती है कि नहीं इसकी बेल कैंसिल होनी चाहिए, तो कोर्ट उसकी बेल कैंसिल कर सकता है। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने यहीं पर यही कहा कि यहां पर कोई भी बार कोई भी रुकावट नहीं है, अगर हम यहां पर किसी की डिफॉल्ट बेल को कैंसिल करना चाहे किस बेस पर, किस ग्राउंड पर, क्योंकि उसकी चार्जशीट वहां पर जमा हो गई। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन रेज हो रहा था। कौन सा क्वेश्चन रेज हो रहा था कि क्या एक डिफॉल्ट बेल जब उस चार्जशीट को प्रेजेंट कर दिया गया उसके बाद भी कैंसिल हो सकती है, जबकि वो डीबीसी कारण की वजह से गई थी बेल, क्योंकि चार्जशीट 90 दिनों में जमा नहीं गई थी। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी नहीं, अगर डिफॉल्ट बेल की बात आ रही है तो वो कैंसिल भी हो सकती है अगर चार्जशीट में ऐसे ग्राउंड मिल रहे हैं कि कैंसिल करना अनिवार्य है। बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला केस लो है हमारा सौरभ दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका साइटेशन नंबर है 2023 SC 52। अब देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है वेदर अ चार्जशीट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट और नो, और यू मस्ट नो अबाउट द फैक्ट दैट चार्जशीट इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, और ऐसी कंडीशन में किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हम बाउंड नहीं कर सकते ये कह के कि उसको आप वेबसाइट पर अपलोड कर दो। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता। अब ध्यान दीजिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां पर कि कोई भी पुलिस या अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे कि सीबीआई, ईडी वगैरह कोई भी है, उसको ये डायरेक्शन नहीं दी जा सकती कि जो चार्जशीट है यहां पर उनकी तरफ से तैयार की जा रही है उसको किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड करो, कारण ताकि जर्नल पब्लिक भी उसको एसेस कर सके, उसको देख सके, वेरीफाई कर सके। जी नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर वो किसी को पानी है तो कोर्ट के थ्रू लो। एक चार्जशीट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम उसको किसी भी ऐसे पब्लिक साइट पर अपलोड नहीं करा सकते। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कोई अगर जजमेंट आपको क्लियर ना हो, किसी स्पेसिफिक जजमेंट को लेकर क्वेश्चन हो, फ्रीली आस्क कर लीजिएगा, क्लियर करूंगा आपको मैं। अगला केस टाइटल है हमारा नईम अहमद वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। साइटेशन नंबर है 2023 SC 66। ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह कहा कि अगर किसी विटनेस की टेस्टामनीज रिकॉर्ड हो रही है तो केवल उनको इंग्लिश ट्रांसलेशन में ही अकेले रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 277 सीआरपीसी को फॉलो करना अनिवार्य है, साफ कहा है ट्रायल कोर्ट्स को। ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस प्रैक्टिस को डिसअप्रूव कर दिया, इस चीज को डिसअप्रूव कर दिया, जब यहां पर जो हमारे जजेस होते हैं ट्रायल कोर्ट के अंदर, वो जो विटनेस रिकॉर्ड होते हैं, उनकी टेस्टिमनीज रिकॉर्ड होती है, केवल और केवल उसे इंग्लिश लैंग्वेज में रिकॉर्ड करते हैं। अब यहां पर कहा गया कि जी नहीं, अगर एक विटनेस है जो किसी दूसरी लैंग्वेज में अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, दूसरी लैंग्वेज के अंदर अपनी रिकॉर्ड करवा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसको उसी लैंग्वेज में ही कोर्ट में रिकॉर्ड करना होगा, और जो लैंग्वेज और कोर्ट है उसको बाद में उसके हिसाब से ट्रांसलेट किया जा सकता है, ट्रांसलेट भी करवाया जा सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, पर केवल और केवल अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कोई उसको रिकॉर्ड कर रहा है वो चीज वहां पर एक्सेप्टेबल नहीं है, साफ निर्धारित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला केस लो था हमारा KL सोनेजा एनदर वर्सेस डॉक्टर मंजीत कौर बोंगाडाइस थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। साइटेशन नंबर है 2023 SC 68। ध्यान दीजिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर
सभी ट्रिब्यूनल को, सभी सब ऑर्डिनेट कोर्ट को मैंडेटरी कर दिया। बड़ी नई चीज निकल कर आई है यहां पर। क्या मैंडेटरी किया है? अगर एक पार्टी कोर्ट में कोई अमाउंट डिपॉजिट कर रही है तो अब उसको किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जमा कराना पड़ेगा। देखिएगा, नई चीज आपको पता लगेगी यहां पर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन इश्यू करी है सभी कोर्ट को, सभी जुडिशियल फॉर्म्स को, कि भाई यहां पर आप कोई भी अगर यहां पर पार्टी अमाउंट डिपॉजिट कराती है कोर्ट के थ्रू तो वो कहां जमा कराना होगा? वो मैंडेटरी है, किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जमा होगा। कारण, ताकि वहां पर जो पार्टीज हैं, जो लिटिगेंट्स हैं, वो किसी भी प्रकार का उन पैसों को लेकर लॉस ना उठाएं। जब भी वो उसे रिकवर करें, वो इंटरेस्ट के साथ उसे रिकवर कर सके जो कोर्ट के सामने उन्होंने पैसा जमा करा था। देखिए कितनी स्पेसिफिकली बड़ी चीज मैंने क्लियर की है। ये चीज आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूछे जाने के बड़े चांसेस बना रही है, इसीलिए मैं स्पेसिफिकली कुछ जजमेंट लेकर आ रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जो जजमेंट मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसका मतलब किसी ना किसी स्टेट जुडिशरी में पूछी जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, केस टाइटल है कॉमन कोर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पर देखिएगा, बात की गई थी राइट टू डाई की। इससे पहले अगर आप जानते हैं, किसी को राइट टू डाई की अथॉरिटी नहीं थी, पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी नहीं, कुछ ऐसी एक्सेप्शनल कंडीशन है जहां पर पैसिव एनेस्थेसिया अप्लाई हो सकता है। ऐसी कंडीशन में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2004 में जजमेंट दी थी, जहां पर गाइडलाइंस दी गई थी, उसको यहां पर ओवररूल कर दिया गया। देखिएगा, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी थी अपनी पहले, उसको यहां पर 2018 की जजमेंट को ओवररूल किया गया और यहां पर कहा गया कि भाई देखिए, पैसिव एनेस्थेसिया को वैलिड ठहराया जाएगा एक्सेप्शनल कंडीशन में। पैसिव एनेस्थेसिया क्या होता है? जब एक व्यक्ति कोई ऐसी कंडीशन में खुद को पा रहा है जहां वो ना अपने आप को हिला पा रहा है, ना उसका माइंड किसी चीज को समझ पा रहा है। कई बार हम कहते हैं कि भाई कोमा की स्टेज होगी कोई ऐसी कंडीशन, तो वहां पर वो पैसिव एनेस्थेसिया के चलते अपने आप की अगर कोर्ट कंसीडर करता है तो उसकी जान लेना भी राइट टू डाई भी अब लीगल के तरीके से देखा जाता है। आगे बढ़ते, अगला केस लो है हमारा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस संजीव चतुर्वेदी अनदर। साइटेशन नंबर है 2023 SC 162। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहा गया कि जो हमारे हाई कोर्ट है, क्या वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन, क्या वो अपनी पावर किसी भी ऐसे ट्रिब्यूनल कोर्ट पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो उनकी टेरिटोरियल लिमिट से बाहर है। अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। हर एक हाई कोर्ट की अपनी टेरिटोरियल लिमिट्स होती हैं। जैसे कि भाई हम बात करें, एक पर्टिकुलर स्टेट का हाई कोर्ट है तो वो अपनी लिमिट तक, उस स्टेट तक ही अपनी ज्यूरिसडिक्शन प्रैक्टिस कर सकता है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा कोई ट्रिब्यूनल कोर्ट आया है जो उस हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन एरिया से बाहर है, क्या वो पर्टिकुलर हाई कोर्ट वहां भी प्रैक्टिस कर सकता है अपनी ज्यूरिसडिक्शन? यहां पर देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो लार्जन बेंच के सामने क्वेश्चन को आगे रिगार्ड कर दिया गया है कि भाई क्या ये हाई कोर्ट यहां पर कोई ऐसी ट्रिब्यूनल है जो उसके ज्यूरिसडिक्शन लिमिट से बाहर है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है वहां पर अपनी पावर? अब ये मैटर हायर अथॉरिटी, हायर लार्जर बेंच के सामने भेजा गया है। लेट सी क्या डिसीजन आता है। पर आपको जजमेंट पता होनी अनिवार्य है जहां पर वो लार्जर बेंच के सामने आगे इशू किया गया था। तो यहां तक आपको सभी जजमेंट क्लियर हुई है? कोई पर्टिकुलर जजमेंट में क्वेश्चन हो, इशू हो तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बता दीजिएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं अगले केस लो की। उसका नाम है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर वर्सेस परसोत्तम दास। साइटेशन नंबर है 2023 SC 224। अब देखिए, हमारी आर्मीज के भी, जो हमारी आर्म फोर्स होती है, उनके भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या अगर एक आर्म फोर्सेस ने कोई ऑर्डर पास किया है तो हाई कोर्ट के पास क्या अथॉरिटी है उस ऑर्डर को एंटरटेन करने की? ध्यान दीजिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हमने इससे पहले एक डिसीजन दिया था, यहां पर डिसीजन का नाम क्या था, यूनियन ऑफ इंडिया अनदर वर्सेस मेजर जनरल श्रीकांत शर्मा अनदर। यहां पर उन्होंने ऐसी आर्म फोर्सेस के अंदर
जो भी ऑर्डर पास किए गए थे उसकी एक्सरसाइज नहीं कर सकता हाईकोर्ट, ये कहा गया था, पर अब उसको ओवररूल्ड कर दिया गया है आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। अब यहां पर अगर आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल की तरफ से कोई भी ऑर्डर वहां पर दिए जा रहे हैं तो वो चीज यहां पर हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी होगी कि उस पर वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभिषेक सिंह रौनक नमस्कार, आगे बढ़ते हैं। अगला केस लो है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राजेश अग्रवाल एंड कनेक्टेड केसेस से रिलेटेड है, 2023 SC 223 इसका साइटेशन नंबर है। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा बैंक अगर किसी भी बोरोवर को फ्रॉड घोषित करना चाहती है, उसके अकाउंट को फ्रॉड घोषित करना चाहती है, तो उससे पहले उसको सुनने का एक मौका देना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये सिग्निफिकेंट वर्डिक्ट यानी कि बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट पास की गई, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो बोरोवर्स हैं जिनको यहां पर उनके अकाउंट के बिहाफ से फ्रॉड घोषित किया जा रहा है तो उनके साथ भी प्रिंसिपल ऑफ ओडी अल्टरम पार्टम प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। ओडी अल्टरम पार्टम मतलब जज को या फिर दोनों पार्टियों को बराबर सुना जाएगा। विनोद कुमार चिंतन जी नमस्कार, दोनों पार्टियों को बराबर सुना जाएगा, ये चीज वहां पर होनी अनिवार्य है। इसके बाद अगर यहां पर कोई पार्टी ऑन द बिहाफ ऑफ देयर अकाउंट फ्रॉड कंसीडर हो रही है, केवल तभी वहां पर उनको फ्रॉड की श्रेणी में घाला जाएगा, डाला जाएगा। पहले उन बोरोवर्स को सुनना जरूरी है, नहीं तो ओडी अल्टरम पार्टम जो बोलता है कि दोनों पार्टियों को इक्वल सुनना अनिवार्य है, ये कंसीडर किया जाएगा कि वहां पर उनको इक्वली नहीं सुना गया, वहां पर उस पार्टी की कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई थी। कोई क्वेश्चन आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं दोस्तों। अगला केस लो है हमारा अरूप भूयन वर्सेस स्टेट ऑफ असम, साइटेशन नंबर है 2023 SC 234। देखिएगा, ये कहते हैं केवल यहां पर अगर कोई मेंबरशिप ली हुए है, यानी कि एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है UAPA ऑफेंस के तहत, जहां पर वो लोग मेंबर है तो वो वहां पर ऑफेंस नहीं बनाता। इससे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2011 में जजमेंट दी थी जिसको यहां पर अब ओवररूल्ड कर दिया गया है। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी साल 2011 की जजमेंट को ओवररूल्ड कर दिया है। देखिएगा, यहां पर जो जजमेंट थी 2011 की उसका नाम यहां पर मेंशन नहीं है, अरूप भूयन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहां पर इंदिरा दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड स्टेट ऑफ कोरला एंड अनरीफ इनको ओवररूल्ड किया गया था। अब यहां पर पहले क्या हेल्ड किया जाता था, पहले की बता रहा हूं मैं, कि अगर कोई मेंबरशिप लिए बैठा है ना, मेंबरशिप का मतलब कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता, मेंबरशिप का मतलब वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी भी ऐसी बैंड एसोसिएशन के अंदर, बैंड ग्रुप के अंदर, तो वहां पर वो ऑफेंस बनाता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर। पहले क्या कंसीडर किया जाता था कि अगर कोई मेंबरशिप लिए रखा है ना तो वो सफिशियंट नहीं है ऑफेंस दिखाने के लिए, गुड इवनिंग नवनीत कौर जी, वो इनफ नहीं होगा किसी को वहां पर लाइबल ठहराने के लिए। पर अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्धारित कर दिया, अगर आप अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंदर जो टेररिस्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज कंसीडर करता है उसके अंदर अगर केवल किसी की मेंबरशिप भी पाई जाती है, किसी का पार्ट पाया जाता है, तो भी वो इनफ माना जाएगा उसके अंदर लाइबल ठहराने के लिए। अब ये नई जजमेंट आई है दोस्तों, आगे बढ़ते। अगला केस लो है हमारा अनिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, साइटेशन नंबर है 2023 SC 234। जिसने एक ये सिंगल वीडियो देख ली, जो मैं आज ये लाइव आपके साथ कनेक्ट हुआ हूं, आपको 2023 की सभी जजमेंट कवर कर दी है। कोई भी एग्जामिनेशन हो जनरल नॉलेज के लिए, आप अपने आप को अपडेट रखना चाह रहे हो, ये सिंगल वीडियो सारा काम करेगी। देखिएगा, ये कह रहे हैं जो पीरियड ऑफ पैरोल दिया गया है ड्यूरिंग COVID-19 वो उनके एक्चुअल सेंटेंस में से काउंट नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे ही हमारा कोरोना आया था, कोविड का टाइम आया था,
तो यहां पर उसको ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए प्रिजनर्स को वहां पर पैरोल पर छोड़ा जा रहा था, जाओ आप घर रहो, ताकि जेल के अंदर क्राउड कम हो और ये जो बीमारी थी, ये जो वायरस था, ये कम से कम फैले। अब यहां पर कहा गया कि अगर यहां पर किसी को पैरोल पीरियड ग्रांट की गई थी COVID-19 के दौरान, तो वहां पर क्या होगा, उसको उनका जो इम्प्रिजनमेंट का टाइम था उसके अंदर से नहीं गिना जाएगा। जैसे किसी को 10 साल की सजा थी, उसको 2 साल कोविड में पैरोल पर छोड़ दिया, तो ये नहीं होगा कि 8 साल की सजा बचेगी, नहीं, उनको सभी की सभी पूरा टाइम पीरियड 10 सालों का तब भी काटना अनिवार्य होगा। आगे बढ़ते अगला केस लो है हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट स्पेसिफिकली। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस हर्सोलिया मोटन एंड अदर्स, साइटेशन नंबर है 2023 SC 313। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमारा एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जो कोई भी किसी भी सामान को, किसी भी सर्विस को कंज्यूम करता है, तो अगर उनके साथ कोई धोखाधड़ी या किसी तरह की मैल्स प्रैक्टिस होती है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। यहां पर कहा गया है कि कोई भी कमर्शियल एंटरप्राइज आप जानते होंगे, कोई भी ऐसी कंपनी जो कमर्शियल पर्पस के लिए, प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस पर्पस के लिए अपना डिस्प्यूट कंज्यूमर डिस्प्यूट के सामने लेके जाती है, किसी भी सामान को या सर्विस को लेकर, जो वो कह रही है कि हमने जो ये सामान खरीदा, हमने जो ये सर्विस ली, किसी भी प्रॉफिट जनरेशन के लिए नहीं ली, तो ऐसे जो डिस्प्यूट है कमर्शियल एंटरप्राइज के, क्या वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डील होंगे? क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमारा कंज्यूमर एक्ट भी है। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक बड़ी जजमेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑनरेबल जस्टिस अजय रस्तोगी, ऑनरेबल जस्टिस सीवी रवि कुमार ने यहां पर हेल्ड किया था कि एक एंटरप्राइज को हम यहां पर कंज्यूमर की डेफिनेशन में एक्सक्लूड नहीं कर सकते, अगर हम देखें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि वो कंज्यूमर एंटरप्राइज है। जी नहीं, ऐसा नहीं लिखा, इसके अंदर आगे बताया गया है, यहां से समझिएगा, कोई भी कमर्शियल एंटरप्राइज अपना कंज्यूमर डिस्प्यूट इस एक्ट के अंदर रेज कर सकती है, किसी भी सामान को लेकर अगर उसने खरीदा है, किसी भी सर्विस को लेकर जो उसने अवेल करी है, पर ध्यान दे कंडीशन यह है कि वो वहां पर जो सर्विस है वो गुड्स किसके लिए नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉफिट जनरेशन एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो राइट नहीं रखती। सर प्लीज टेल अबाउट मॉक टेस्ट सीरीज 1, आई नीड टू ज्वाइन इट। एमपीसी जे बैट की बात कर रहे हैं आप, किसी और की बात कर रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए। ये जजमेंट स्टूडेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप हमारा, गुड इवनिंग रुस्कर अली खान, आप हमारा यहां पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, वहां पर आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। अगला केस लो पर आगे बढ़ते हैं, सेशन को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, ताकि सभी लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके लाइव कनेक्ट होकर। देखिए अगला केस लो है स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स वर्सेस डॉक्टर पी ए भट्ट एंड अदर्स, इसका साइटेशन नंबर है 2023 SC 350। एमपीसीजी प्री के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैंने शुरू में शेयर किया था, वहां पर मुझे मैसेज करें, मैं ज्वाइन करवा देता हूं। आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कंसीडर करी गई है कि अगर कोई एलोपैथी डॉक्टर्स होते हैं, एलोपैथी जो हमें इमरजेंसी मेडिसिन हॉस्पिटल्स वगैरह में मिलती हैं, या फिर अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं, उनको इक्वल वर्क और इक्वल पे के अंदर हम नहीं ठहरा सकते। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, एलोपैथी एंड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के अंदर कंसीडर नहीं होंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास करी है और इसके खिलाफ यहां पर अपील भी डाली गई थी लार्जर बेंच के सामने, जो डिसमिस हो चुकी है। अब ये फाइनल वर्डिक्ट है, आपको पता होना चाहिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मतलब जो लोग एक जैसा काम करते हैं उनको एक जैसा ही रेम्यूनरेशन पैसा मिलना चाहिए। पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर एक एलोपैथी डॉक्टर है, अगर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उनको सेम कंसीडर नहीं किया जाएगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सर ऑलरेडी ज्वाइंड हूं,
मैं एक मैसेज ड्रॉप कर देता हूं, मैसेज ड्रॉप करें ताकि ध्यान रहे, मैं कनेक्ट कर लेंगे आपसे। अब ये मान ले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है 2023 की, स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते होंगे, नहीं जानते तो अब समझ जाएंगे। केस लो है हमारा शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन, साइटेशन नंबर है 2023 SC 375। ध्यान दीजिए, इररिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, ये एक वैलिड ग्राउंड माना गया है शादी खत्म करने का, डाइवोर्स लेने का, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 1242 की पावर इस्तेमाल करते हुए डाइवोर्स दे सकता है। पहले थोड़ा सा बता दूं, देखिए इररिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज क्या होता है। कई बार कपल्स के बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हरासमेंट नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो 13B में दी गई हो, इसके बावजूद भी कपल एक साथ रहकर खुश नहीं है, वो कहते हैं सर हमारी बनती नहीं, तो हम करें तो करें क्या। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक वैलिड ग्राउंड है जहां पर कपल साथ नहीं रह रहे तो वो इररिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में माना जाएगा, और वो वैलिड ग्राउंड होगा डाइवोर्स लेने का, यानी कि तलाक लेने का। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 जो कहता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपनी पावर को एक्सेस में यूज कर सकता है किसी को भी जस्टिस दिलवाने के लिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 की पावर का अगर यूज करता है तो जो एक कूलिंग डाउन पीरियड, एक समय सीमा, शुरू में रुकना पड़ता है कपल्स को 6 महीने से लेकर 18 महीने तक, वो भी वहां पर रिलीज कर सकते हैं। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर आर्टिकल 142 की पावर का यूज करेगा तो जो कूलिंग डाउन पीरियड है 6 महीने से लेकर 18 महीने का, वो भी वहां पर वेव ऑफ कर सकता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये बड़ा हाईलाइटेड पॉइंट है जजमेंट में। इसके अलावा इररिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एक वैलिड ग्राउंड है डाइवोर्स लेने का। प्लीज ध्यान रखिएगा, दो बड़े पॉइंट इस जजमेंट में यहां पर ये क्लियर किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला केस लो है हमारा रितु छाबड़िया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका साइटेशन नंबर है दोस्तों 2023 SC 352। वीडियो को लाइक शेयर अनिवार्य है करना ताकि सभी लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। आगे देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई इनकम्प्लीट चार्जशीट जमा कर रहा है जहां पर इन्वेस्टिगेशन समय सीमा के अंदर नहीं दी गई, तो वहां पर यह चीज इनकम्प्लीट चार्जशीट जमा करना एक एक्यूज का अधिकार नहीं छीन सकती कि वो डिफॉल्ट बेल कोर्ट से नहीं ले सकता। देखिए, हम सभी लोगों को पता है चार्जशीट समय है, जो समय चार्जशीट जमा करने का 60 से 90 दिनों का होता है। ऐसी कंडीशन में अगर यहां चार्जशीट जमा कर दी पर वो इनकम्प्लीट है तो वहां भी आप डिफॉल्ट बेल पाने के अधिकारी हो जाएंगे। ये चीज यहां पर क्लियर की गई, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए अगर यहां पर एक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की और चार्जशीट वहां पर प्रोसेस कर दी गई तो यहां पर एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी भी एक्यूज का जो अधिकार बनता है डिफॉल्ट बेल लेने का वो उससे नहीं छीन सकती। अब यहां पर जो हमारे 3 जजेस की बेंच है उन्होंने इस फैसले को यहां पर वर्डिक्ट में पास किया है। ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट में काउंट है दोस्तों, प्लीज इनको नोट डाउन करते चलिए। अब जिनको इनका पीडीएफ चाहिए, कई स्टूडेंट कहेंगे सर पीडीएफ दे देना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, सेशन के बाद पीडीएफ भी वहां पर दूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं। अगला केस लो है हमारा पीतांबरन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एनदर, इसका साइटेशन नंबर है 2023 SC 402। अब ध्यान दीजिए, अगर एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ है, कौन होता है, आपके SP साहब होते हैं, कई राज्यों में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं DCPs होते हैं, वो यहां पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे सकते बिना मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट की परमिशन लिए। अगर आपको पता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करानी है, चाहे प्रोटेस्ट पिटीशन डाली है इसलिए करानी है, 156(3) थी इसलिए करानी है, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ के पास ये पावर नहीं है। केवल और केवल ये पावर है हमारे मजिस्ट्रेट साहब के पास, और हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है। सर आप योद्धा बैच में कब से क्लास स्टार्ट कर रहे हो? मैं अभी 5 तारीख तक MPCJ बच्चों को कवर करा रहा हूं, जहां पर आज हमारा NIA पूरा हो रहा है,
इसके बाद मैं लिमिटेशन और एसआरए कवर कराऊंगा, उसके बाद आफ्टर फिफ्थ ऑफ जनवरी मैं क्लासेस स्टार्ट करा दूंगा। नवनीत जी, क्या आपने ज्वाइन किया हुआ है या प्लान कर रही है करने का? आगे बढ़ते हैं। अगला केस लो है हमारा सलीम शालू, सलीम एट द रेट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, साइटेशन नंबर है 2023 SC 618। अब यहां पर कहा गया, अगर एक एक्यूज्ड है वो एफआईआर कराने जाता है, क्वाशिंग, क्वाशिंग मतलब खत्म, किस ग्राउंड पर? कि यहां पर पर्सनल रंजिश के चलते इमेज खराब करने के लिए। पर्सन सर पीडीएफ मिल जाएगा? जी बिल्कुल मिल जाएगा आयुषी जी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पर सेशन के बाद मैं पीडीएफ रिलीज कर दूंगा। अगर कोई पर्सनल रंजिश के चलते वहां पर कोई एफआईआर करता है, और वहां पर उस एफआईआर को क्वाशिंग कराने के लिए 482 में गया गया है, तो वहां पर बड़ी ध्यान से उस मैटर को देखना पड़ेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर निर्धारित किया था। आगे बढ़ते हैं। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए भाई, अगर यहां पर किसी के ऊपर गलत इंटेंशन से, गलत मोटिव से एफआईआर कराकर प्रोसीडिंग्स कराई जा रही है, और वो वहां पर उसको क्वाशिंग के लिए गया है, ये कह रहा है कि तो पर्सनल रंजिश के चलते यहां पर एफआईआर को डाला गया है मेरे ऊपर, अब अगर ऐसी कंडीशन में उसको क्वाश कराना है, तो बड़े ध्यान से, बड़ी केयर से ऐसे मैटर को देखना पड़ता है। ये चीज यहां पर कंसीडर की गई है। मैं बता दूं, अगर आप जो मैं टोटल 22 से 25 जजमेंट लाया हूं, ज्यादा भी नहीं है, ये जजमेंट आप कवर कर ले, तो 95% चांसेस है कि इसी में से जजमेंट आएगी, इससे बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि छोटी से बड़ी सभी जजमेंट कवर करी है मैंने। अगला केस लो है दीवान शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, साइटेशन नंबर है 2023 SC 633। अब यहां पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है टीचर्स के लिए, जो बीएड वगैरह करते थे ना, उनको कह दिया कि वो जो प्राइमरी पोस्ट होती है ना टीचर की, वो उसके लिए वैलिड नहीं है। अब यहां पर एजुकेशनल क्या मतलब है? क्वालिटी एजुकेशन मतलब कि जो बीएड वगैरह कर रहे थे, आपने सुना होगा क्या कर रहे हैं, दो चीज कॉमन होती थी, जेबीटी कर रहे हैं भाई, बीएड कर रहे हैं। अब ये कहा कि बीएड के जो ग्रेजुएटेड है वो इनएलिजिबल है प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बैचलर ऑफ एजुकेशन का जो यहां पर कर रहे हैं डिग्री होल्डर्स हैं, उनको प्राइमरी स्कूल टीचर के अंदर अपॉइंट करने की एलिजिबिलिटी नहीं बताई गई है, उनको वहां पर एलिजिबल नहीं माना। कारण पता होना जरूरी है, क्योंकि आर्टिकल 21 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो राइट टू एजुकेशन का अधिकार देता है, पर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के अलावा अलावा क्वालिटी एजुकेशन, एक अच्छी शिक्षा पाना भी अधिकार है। और अच्छी शिक्षा कब देगी? एक अच्छा क्वालिफाइड टीचर ही दे सकता है। तो केवल बीएड करके प्राइमरी टीचर्स नहीं बना जा सकता, ये यहां पर कंसीडर हो गया है। अगला केस लो है हमारा रेवन्यप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन, साइटेशन नंबर है 2023 SC 737। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर बताया कि अगर जो बच्चे हैं किसी भी इनवैलिड मैरिज के, इनवैलिड मैरिज मतलब जो लीगली रूप से वैलिड नहीं मानी जाती, ऐसी कंडीशन में वो अपने हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो है उनके पिता का, उनके माता पिता का जो भी हिस्सा बनता था उसमें, उसके अंदर अधिकारी हो जाते हैं। मान लेते हैं एक आदमी औरत पहले से शादीशुदा थे। अब आपको पता है हमारे इंडियन पिनल कोड को तो बदल दिया गया, बायगैमी एक अपराध है, एक आदमी ऑलरेडी, एक औरत ऑलरेडी शादीशुदा है तो दूसरी शादी नहीं कर सकती। अगर दूसरी शादी की गई है तो कानूनी रूप से वाइड है, अवैध है, पर उनकी तरफ से अगर बच्चे हुए हैं दूसरी शादी से भी, तो ऐसी कंडीशन में वो उस इनवैलिड मैरिज होने के बावजूद भी अपने पेरेंट्स की जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में हिस्सा पाने के अधिकारी हो जाते हैं, ये यहां पर निर्धारित किया गया था। देखिएगा, अगर बच्चे पैदा हुए हैं वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से, इसके बावजूद भी वो हिस्सा पाने के अधिकारी होंगे अपने पेरेंट्स के जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसी कंडीशन में अगर कल को पार्टीशन होगा, तो उस इनवैलिड मैरिज से भी जो बच्चे पैदा हुए हैं वो भी संपत्ति में अपना हिस्सा पाने का अधिकारी हो जाएंगे। ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियर किया। अगला केस लो है हमारा पंकज बंसल
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस लो है। ये कहा गया है अगर ईडी समन, ईडी क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है हमारी, अगर वो किसी को समन भेजती है, समन क्यों भेजे जाते हैं, आओ भाई आपसे पूछताछ की जाएगी, आओ भाई इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर एक व्यक्ति उन समन को फॉलो नहीं करता ईडी के बुलाए जाने के बावजूद भी नहीं आता, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसी ग्राउंड पर किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, प्रिवेंशन फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट केस लो है स्टूडेंट, नोट डाउन कर ले, मैं बड़ी रिसर्च करके लिमिटेड जजमेंट आया हूं, जजमेंट तो 1000+ है, ध्यान रखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जी दी है, गिनती की जजमेंट लाया हूं ताकि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप फोकस कर सके उन पर। तो अगर यहां पर ईडी ने किसी को नोटिस भेजा है, समन करा है, और वो समन को फॉलो अप नहीं कर रहा, तो ये वैलिड ग्राउंड नहीं होगा उसको अरेस्ट करने का, एक्सेप्ट जब तक वो उस गिल्ट की एडमिशन वहां पर व्यक्ति ना दे रहा हो जिसको समन किया गया है। यहां पर देखिएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि एक व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से अगर वो उन्होंने जो समन भेजे थे उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा अंडर सेक्शन 50, यानी कि 50 सेक्शन क्या कहता है, अगर ईडी को किसी पर शक होगा वो समन करके बुला सकती है। नाउ यहां पर स्टेटमेंट देखिएगा क्या थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, मेयर नॉन कोऑपरेशन ऑफ विटनेस, यानी कि विटनेस अगर कोऑपरेट नहीं करता समन के साथ, कौन से समन, जो सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग ईडी ने इशू किए हैं, तो केवल इतनी ही चीजों से हम उसको रेंडर नहीं कर सकते, लाइबल नहीं कर सकते कि उसको जाकर सेक्शन 19 के तहत अरेस्ट कर लो। कौन कर सकती है, ईडी, नहीं अथॉरिटी, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते अगला केस लो है हमारा सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। प्लीज स्टूडेंट नोट डाउन कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है, मेरे वर्ड मार्क करिएगा, किसी ना किसी क्लास में आपको, सॉरी किसी ना किसी केस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये चीज आपसे पूछी जाएगी, ये स्पेसिफिक जजमेंट। सर जजमेंट की ये कौन सी क्लास है, नंबर ऑफ क्लास, देखिए मैं हर मंथ की क्लास लाता हूं, हर मंथ में जितनी भी इंपॉर्टेंट जजमेंट आती है लाता हूं, ये 2023 की जितनी भी जजमेंट है एक सिंगल वीडियो में मैं कवर करा रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली हो ही गई है, 3 से 4 जजमेंट और बची है। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज, यानी कि जब एक महिला दूसरी महिला से शादी की बात कर रही है, एक पुरुष दूसरे पुरुष से शादी की बात कर रहा है, इसको लीगली रूप से रिकॉग्नाइज करने के लिए मना कर दिया है। स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिएगा, यहां पर उन्होंने कहा कि यूनियन गवर्नमेंट एक कमेटी बनाए जो वहां पर इनके अधिकारों को चयन करे कि क्या इनके अधिकार बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, ये पावर लेजिस्लेचर की है, वो स्पेसिफिकली इस पर रूल बनाए, हम इसको यहां पर वैलिड कंसीडर नहीं कर सकते। ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि जो क्वीर मैरिज है, क्वीर मैरिज का मतलब सेम सेक्स मैरिज, उनको हम लीगली नहीं बता सकते क्योंकि ये लेजिस्लेटर का, जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है लेजिस्लेचर हमारे, उनका अधिकार है कि क्या इसको लीगली रूप से माना जाए या ना माना जाए। हाँ, पर अगर कोई वहां पर एक साथ रह रहा है तो उनको यह अधिकार मिलेगा कि वो बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के एक साथ रह सकते हैं, यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट उनको जरूर दे सकता है, यानी कि साथ रहने के लिए कोई उनको बाहरी व्यक्ति फोर्स नहीं कर सकता, हटाने के लिए प्रेशर नहीं कर सकता, यह चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पर उनकी शादी को लीगली रूप दे दे इसकी अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दी, डिफरेंस जानिएगा। अगला केस लो है प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसका साइटेशन नंबर है 2023 SC 996। यहां पर कहा है कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट किसी को भी इंटरिम एंड एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करा सकते हैं, भले जो FIR हुई है वो किसी दूसरे राज्य में हुई हो। अब अक्सर लोग परेशान रहते थे, सर राजस्थान में FIR हुई क्या करे, एडवोकेट गाइड करते थे, हम भी एडवोकेट है, हम भी गाइड करते थे, राजस्थान जाओ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी नहीं, एंटीसिपेटरी की बेल की बात है ना, तो एंटीसिपेटरी बेल किसी भी कोर्ट से ले लो, क्या दिक्कत है, केस उसी के ज्यूरिसडिक्शन में चलने दो,
देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी सेशन या हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करा सकता है, भले वो जो एफआईआर है उनके खुद के राज्य में रजिस्टर्ड ना हो। बड़े रिलीफ का काम किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों के लिए। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, जजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे बढ़ते हैं, अगला केस लो है, ये तो सभी न्यूज चैनल ने कवर किया था, जो 370 35 से हटाई गई थी जम्मू एंड कश्मीर ने, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एप्लीकेबल हुआ था, उसको लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दी है। साइटेशन नंबर है 2023 SC 150। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 370 है वो एक टेम्पररी समय तक लगने वाला प्रोविजन था, और जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने वहां पर इसको हटाकर कोई गलती नहीं की है। उन्होंने यहां पर जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर, जिसको एब्रोगेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, वैलिड बताया है। बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है दोस्तों, ये तो पढ़ानी पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। 11 दिसंबर को जजमेंट आई है, डेट याद रखनी जरूरी है, जहां पर जो यूनियन गवर्नमेंट ने 2019 में डिसीजन लिया था, जहां पर जम्मू कश्मीर को जो आर्टिकल 370 में स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था वो खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर की कोई भी इंटरनल सॉवरेनिटी नहीं थी, ये तो एक टेम्पररी समय तक का प्रोविजन था। अगर यूनियन गवर्नमेंट ने इसको हटाया है तो यहां इन्होंने कोई गलती नहीं करी, क्योंकि ये तो बनाई हटने के लिए था। आगे बढ़ते हैं, लास्ट केस लो है हमारा, कि जो भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होते हैं किसी भी आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के अंदर, भले वो रजिस्टर्ड ना हो तब भी वो वैलिड माने जाएंगे अगर वो अनस्टैम्प्ड है। स्टूडेंट प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस लो है, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी भी अनस्टैम्प्ड एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली आर्बिट्रेशन क्लोज रखा गया है तो वो अनस्टैम्प्ड होने के बावजूद भी एनफोर्सेबल है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच बैठी थी, जहां उन्होंने ये अपना जो पुराना डिसीजन था, इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, एनएन ग्लोबल डिसीजन था, जो पहले मना करा था कि अगर एक अनस्टैम्प्ड है तो उसको एडमिसिबल नहीं किया जाएगा, पर अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच बैठी है जहां पर इसको वैलिड ठहरा दिया गया है। देखिएगा, ये तो पढ़कर दिखाना पड़ेगा। जो हमारा पहली जजमेंट थी जो ओवररूल्ड हुई है, उसका नाम था MSNN ग्लोबल मर्चेंटाइल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस MS इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड एंड अदर्स। यहां पर 5 जजेस की बेंच बैठी थी जिन्होंने 3:2 में यही हेल्ड किया था, अगर एक अनस्टैम्प्ड एग्रीमेंट है उसको लीगली रूप से एनफोर्सेबल नहीं किया जाएगा, पुरानी जजमेंट थी। अब इसको जो नई जजमेंट है इसको यहां पर ओवररूल्ड कर दिया गया है। देखिएगा क्या कहा गया, 7 जजेस की बेंच ने ये ऑर्डर पास किया है जहां पर ये कहा कि अगर एक यहां पर एग्रीमेंट है जो अनस्टैम्प रह गया है, इसके बावजूद भी उसको लीगली रूप से एनफोर्सेबल किया जा सकता है। अगर उसको प्रॉपर स्टैंप नहीं करा गया तो हम उसको वॉइड नहीं ठहरा सकते, हम उसको अनएनफोर्सेबल नहीं बना सकते। यहां पर क्या होगा, क्योंकि वो एक क्योरेबल डिफेक्ट है, यानी कि एक ऐसी कमी है जिसको ठीक किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंप एक्ट, यानी कि जितनी स्टैंप कम है, जितनी नहीं दी गई, फाइन लगा के भरवा लो, पर उसको वहां पर तब भी एनफोर्सेबल माना जाएगा और उसको अब वॉइड नहीं कंसीडर किया जाएगा। मैंने आज के सेशन में सारी जजमेंट कंप्लीट A to Z आपको क्लियर कर दी, जितनी भी जजमेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी, और स्पेसिफिकली 26 जजमेंट मैं ऐसी छाट कर लाया हूं आज आपके लिए, कलेक्टिव लेकर आया हूं, जो आपकी एग्जामिनेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उम्मीद करता हूं आज का सेशन 31 दिसंबर को आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा, लास्ट डे लास्ट छोटा सा अनुरोध आपसे, सेशन को लाइक कर दें, साथ ही साथ शेयर कर दें, सर अरूप भोयान वर्सेस असम को रिपीट कर दें, कोई बात नहीं, एक मिनट लगता है, रिपीट कर देता हूं। किसी को और कोई पर्टिकुलर जजमेंट जाननी हो तो बता दीजिएगा, हम रिपीट कर देते हैं।
पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, देखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं, पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट पास की गई थी, पहले वही देख लेते हैं, जहां पर यही कहा गया था कि अगर कोई यहां पर केवल अनलॉफुल एक्टिविटी एंड प्रिवेंशन एक्ट के अंदर मेंबरशिप करा हुआ है। एग्जांपल से समझाता हूं। हैप्पी न्यू ईयर आयुषी, मान लेते हैं पांच लोग हैं, एक ने गोला बारूद खरीदे, दूसरे ने गन्स अरेंज करी, तीसरे ने एम्यूनेशन खरीदे, चौथे ने वहां पर कुछ और अरेंज किया, पांचवा उन सबको ट्रक में कैरी करके लेकर आया। अब यहां पर पांचवा कोर्ट में बोल रहा है, सर मैं तो ट्रक इसीलिए लेकर आया, मुझे नहीं पता था, इन्होंने मुझसे झूठ बोला। अब पहले जो जजमेंट थी वो ये कहती थी कि जो पांचवा पर्सन है, जो मेंबर तो कंसीडर हो रहा है, पर उसको हम लाइबल नहीं ठहरा सकते केवल मेंबर होने से, क्योंकि वो बता रहा है मेरे को नॉलेज नहीं थी। जबकि देखा जा रहा है कि अटैक जब हुआ है या फिर कहीं पर अटैक या कुछ ऐसा एक्ट किया गया है उसमें वो बराबर शामिल है। पहले कहा जाता था कि केवल ऐसी एक्टिविटी में मेंबरशिप होने से किसी को हम लाइबल नहीं ठहरा सकते। अब जजमेंट आई है नहीं, अरूप भुयान वर्सेस स्टेट ऑफ असम, यहां पर कहा गया कि केवल मेंबरशिप अब इनफ रहेगी किसी को भी यूएपीए ऑफेंस के अंदर लाइबल ठहराने के लिए। थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, यहां पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट पास किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जहां पर उनकी जो 2011 की जजमेंट थी, इंदिरा दास वर्सेस स्टेट ऑफ असम एंड स्टेट और केरला ऑफ रही, ये दोनों जजमेंट थी पुरानी, जहां पर ये कहा जाता था कि केवल मेंबरशिप होने से हम किसी को वहां पर एसोसिएशन में नहीं बता सकते, ये वैलिड ग्राउंड नहीं है यहां पर यूएपीए ऑफेंस के अंदर। पर अभी जजमेंट को यहां पर ओरल ओवर रूल्ड कर दिया गया है अरूप भुयान वर्सेस स्टेट ऑफ असम में कि केवल मेंबरशिप से ही अब लाइबल ठहराया जा सकता है। तो आई थिंक अब आपको आज की क्लियर हो गई होंगी सभी जजमेंट। आयुषी जी, दीपाली जी, कोई इश्यू है पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू नवनीत जी, आप सभी का भी, आप हमारे साथ कनेक्ट हुए, आप लोगों ने सेशन पसंद किया। जाते जाते लाइक और सभी स्टूडेंट से शेयर जरूर करें ताकि हमारी भी फैमिली यहां पर बढ़ जाए, हम भी एक अच्छे स्टूडेंट्स के साथ आगे फॉरवर्ड करें, और आप लोगों का सपना है जो जज बनने का, हम अपनी एफर्ट से पूरा कराएं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रेगुलरली हर मंथ सेशन लाता हूं लैंडमार्क जजमेंट के। अब जो सेशन लाएंगे वो जनवरी मंथ की जितनी भी बड़ी जजमेंट आएगी 2024 में उस पर लेकर आएंगे। हर मंथ की लैंडमार्क जजमेंट तो लाएंगे ही लाएंगे। अगर कोई स्पेसिफिकली बड़ी जजमेंट आती है जहां पर प्रिंसिपल्स रूल्स गाइडलाइंस दी गई है वो डिटेल्ड में कवर करेंगे। तो आप लोग क्या करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, सेशन को कनेक्ट कर लें जितने भी होने वाले, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, टेक केयर, गुड नाइट एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मेहनत करते रहें जब तक आप लोगों का सपना साकार ना हो जाए।